हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, ऑर्गेनिक माउथ फ्रेशर कैसे बना सकते हैं, कैसे माउथ को अपने फ्रेश रख सकते हैं ऑर्गेनिक बिना खर्च के। कुछ पत्तियां हैं जिनको आप चबाकर आप ऑर्गेनिक माउथ फ्रेशर बना सकते हैं। तो अपने माउथ को फ्रेश बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये है गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, इनको आप चबाकर आपका माउथ फ्रेशर की तरह काम करेगा। तो आपको गुलाब की पंखुड़ियाँ चबानी है, बहुत अच्छा माउथ फ्रेशर का काम करेगा, ऑर्गेनिक है बिना किसी खर्च के और आयुर्वेदिक है, तो इसमें नुकसान भी नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। तो पंखुड़ियाँ जो गुलाब की हैं, इनको चबाकर आप माउथ को फ्रेश कर सकते हैं और आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, तो इनसे कुछ नुकसान भी नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक तरीका है, आप इनको अपने गार्डन में ही माउथ फ्रेशर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अपने माउथ को फ्रेश की तरह दुर्गंध मिटाने के लिए आप गुलाब की पंखुड़ियों को इस्तेमाल कीजिए और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस तरीके से आप ये जो पंखुड़ियाँ हैं इनको आप यूज़ कीजिए और चबा चबा कर, और बिल्कुल आपका माउथ जो हो जाएगा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने माउथ में ये गुलाब की पंखुड़ियाँ ऑर्गेनिक हैं, फ्रेश हैं, इनको इस्तेमाल कीजिए। गुलाब बिल्कुल फ्रेश लेना है आपको और उनकी पंखुड़ियों को चबाकर आप अपने लिए माउथ फ्रेशर की तरह काम करेगा। और उसके बाद आपको हम बताते हैं कि दूसरा ये है अमरूद की पत्तियाँ भी आप चबा सकते हैं, बहुत ऑर्गेनिक हैं और घरेलू नुस्खे पे आधारित हैं, फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपके गार्डन में बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके गार्डन में ही ये पत्तियाँ मिल जाएंगी। तो आप इनकी ताज़ी ताज़ी कोमल कोमल ये पत्तियाँ हैं, इनको आप चबाइए और अपना माउथ फ्रेशर की तरह यूज़ कीजिए इनको। और आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी अमरूद की पत्तियाँ बहुत फ़ायदेदार होती हैं, ये आयुर्वेदिक औषधि के रूप में काम करेगा, जो मुँह की बदबू कीटाणु वगैरह होंगे वो सब आपके मुँह को फ्रेश कर देगा। तो आप ये अमरूद की पत्तियाँ भी चबा सकते हैं, माउथ फ्रेशर की तरह काम करेंगे, ऑर्गेनिक है, फ्री है और आपको घर में ही बिना पैसे खर्च किए हुए आपको माउथ फ्रेशर की तरह आप इन पत्तियों को यूज़ कर सकते हैं। बस इनकी कोमल कोमल पत्तियाँ ही आपको लेनी है, तुरंत ताज़ी पत्तियाँ लेनी है पेड़ से तोड़कर और चबा लीजिए, आपको बिल्कुल माउथ फ्रेशर की तरह ये काम करेगा। और तीसरी पत्तियाँ मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, जब ये तीसरी पत्तियाँ ये हैं, ये जामुन की पत्तियाँ भी आपकी तरह माउथ फ्रेशर की तरह काम करेगा। तो जामुन की पत्तियाँ भी आप नए नए पत्तियाँ नए नए किले जो हैं वो आप खा सकते हैं, चबा सकते हैं और बहुत ही फ़ायदेदार है, और जितने भी मुंह में कीटाणु वगैरह हैं वो सब दुर्गंध आना मुंह से मिट जाएगी। तो आप जामुन की पत्तियाँ, कोमल कोमल पत्तियाँ आप चबा सकते हैं और ये ऑर्गेनिक पत्तियाँ हैं, इनको आप चबाइए और आपके मुंह की दुर्गंध दूर करेगा, साथ में कीटाणु वगैरह हैं वो भी दूर करेगा और माउथ को बहुत फ्रेश बना देगा। और उसके बाद है आपको अगर ज़्यादा कड़वा वगैरह खा सकते हैं तो आप नीम की पत्तियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम की पत्तियां माउथ फ्रेशर की तरह काम करेगी। और जो जामुन है जिनको डायबिटीज है उनके लिए बहुत अच्छी है, तुलसी की पत्तियां भी आप खा सकते हैं और माउथ फ्रेशर की तरह आपको बिल्कुल काम करेगी। तो इस तरीके से आप ये पत्तियाँ, तुलसी की पत्ती भी माउथ फ्रेशर की तरह आप यूज़ कर सकते हैं और
ये तुलसी की पत्तियाँ आपको ताज़ी देनी है और इसको चबाना है। माउथ प्रेशर की तरह ये काम करेगा। अगर आप कड़वा भी खा सकते हैं तो नीम की पत्तियाँ भी आप चबा सकते हैं, ये भी बहुत औषधि गुणकारी है। तो आप इनमें से किसी भी पत्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फंगस वगैरह नहीं, कीटाणु वगैरह भी दूर करेगा माउथ में, और जो दांतों में कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं उनको भी दूर करेगा। नीम की पत्तियां भी आप चबा सकते हैं। अगर आप थोड़ा हद तक कड़वा खा सकते हैं, बिल्कुल चबाना है, बस थूक देना है। इस तरीके से माउथ प्रेशर में ये पत्तियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही औषधि गुण वाली हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो इस तरीके से आप इन पत्तियों को आप माउथ प्रेशर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी पत्तियां लेनी है ताज़ी ताज़ी, आप अपने गार्डन में माउथ प्रेशर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मुंह को फ्रेश बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो पत्तियां हमने बताई हैं आप इनको थोड़ा सा चबा लीजिए और फिर थूक दीजिए, तो ये माउथ प्रेशर की तरह काम करेगी और कोई भी नुकसान इसमें नहीं होगा। आपके शरीर के लिए, लाभ के लिए, मन के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।